वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे दोस्तों आपके अपने शेविंग चैनल दिवस शेयर्स में। ना आज का जो फोकस है हमारा शेविंग में, वो एक कंपैरेटिव अकाउंट बिटवीन द टू रिजर्व्स। एंड यस, दीज आर एडजस्टेबल रिजर्व। 90% लोग इशारा मेरा समझ गए होंगे। तो आज मैं एक डेमो दूंगा आपको और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इन दोनों रिजर्व्स के बीच में। तो जल्दी से मैं उन रेजर्स से आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। पार्कर वेरिएंट एडजस्टेबल रेजर एंड हाल ही में लॉन्च हुआ पर्ल फ्लेक्सी। पार्कर वेरिएंट पर्ल फ्लेक्सी। अब सबसे पहले फील फैक्टर। इसका वेट है 113 ग्राम पार्कर वेरिएंट एंड पर्ल फ्लेक्सी 130 ग्राम। तो डेफिनेटली साइज में ये छोटा है, लेंथ में छोटा है, मगर ये भारी है, करेक्ट। तो 17 ग्राम भारी है, 17 ग्राम भारी है, ये 130 ग्राम, ये 113 ग्राम। नाउ लेंथ जो है ऑफ कोर्स इसकी ज्यादा है, ये ऑलमोस्ट 3.8 इंचेस लॉन्ग इसका हैंडल और ये 3.15। तो देख के आपको क्लियर पता लग रहा होगा, ये पूरा का पूरा ब्रास का बना है जिसपे पॉलिश की गई है। और ये भी आपका जो है पूरा ब्रास का सॉलिडली बिल्ट रेजर है। तो क्वालिटी वाइज बोथ आर टैंक लाइक। नाउ अगर हम वेरिएंट की बात करें, पार्कर वेरिएंट की, तो ये एक एडजस्टेबल जो रेजर है, इसकी जो सेटिंग्स हैं वो नीचे बॉटम में दी गई हैं। सो ये जो है 1 से शुरू होती हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं, 1 से लेके एंड हाईएस्ट इज 5। थोड़ा पार्कर वालों को मेरा सजेशन है कि यहां पे जो मार्कर है, पॉइंटर है, इसको थोड़ा सा कोई कलर दे दें, रेड या ब्लैक, ताकि देखने में आसानी रहे। नर्लिंग शानदार, बारीक नर्लिंग एंड हेड का वेट बहुत ही अच्छा है। तो बैलेंस जो इस रेजर का है बहुत ही शानदार है। और इस पे मैंने सुपरमैक्स प्लैटिनम ब्लेड, जिसका पहला इस्तेमाल होगा, वो ऑलरेडी लोड किया है। उसके कंपैरिजन में पर्ल फ्लेक्सी, इसको कसना नीचे से पड़ता है ऑफ कोर्स, और इसकी जो सेटिंग्स हैं वो ऊपर की तरफ दी गई हैं। एंड द रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड दे गो टू अप टू 6। तो वेरिएंट में 1 से 5 और इसमें 1 टू 6। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहां पे पॉइंटर को इन्होंने एक रेड कलर दिया है, जो कि आसानी से दिख सकता है। तो आज मैंने दोनों जो रेजर्स की जो सेटिंग्स हैं वो 3 पे सेट की है। फर्स्ट पास में 3 की सेटिंग में करूंगा, यहां पे आप देख सकते हो 3। नाउ लेफ्ट साइड जो है आई विल यूज पर्ल फ्लेक्सी एंड राइट साइड आई विल यूज पार्कर वेरिएंट। तो ज्यादा आज मैं बातें ना करूं और सीधे डेमो पे आ जाऊं और उसके बाद मैं इससे अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मगर पिछले एक महीने में मैंने इन दोनों को काफी यूज किया है अलग अलग तरीके से ये जानने के लिए। तो कंपैरिजन में कौन सा बेहतर है, कौन सा थोड़ा कम बेहतर है, ये ना बोल के मैं कहूँ कि इट इज जस्ट लाइक कंपेयरिंग एप्पल एंड ऑरेंज, और दोनों का वर्डिक्ट देना बड़ा मुश्किल है। मगर फिर भी काफी सब्सक्राइबर्स, काफी व्यूअर्स, काफी दोस्तों की गुजारिश थी कि इन दोनों का कंपैरिजन मैं दूं, तो इसीलिए आज ये मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लावरिंग। पिंक पोल सिंथेटिक ब्रश और पिंक पोल की क्रीम, ऊद एंड सैंडलवुड
लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन फ्रेग्रेंस है इसकी। सो दिस मस्ट बी चोके आई थिंक। आज की जो मेरी बियर्ड है वो एग्जैक्टली 5 दिन पुरानी है। सो आई एम नॉट यूजिंग एनी प्रीशेव ऑयल। सो लेट्स स्टार्ट लैदरिंग। प्राइसिंग मैं बताना भूल गया। पर्ल फ्लेक्सी इज लिटिल बिट मोर कॉस्टली कंपेयर टू पाको वेरिएंट। पाको वेरिएंट 3700 के आसपास का है और पर्ल फ्लेक्सी 5100, तो ऑलमोस्ट 1400 रुपए का फर्क है। बहुत ही बेहतरीन शेविंग क्रीम है, बिल्कुल लग्जरी का एहसास देती है ये। देखिए, आप में से अगर आप में से जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन्होंने बेड शेविंग को अभी अभी अपनाया है या बिगनर लेवल पे हैं, तो मैं कहूंगा कि अभी आप एडजस्टेबल रेजर्स पे इन्वेस्ट ना करें। रीजन, सबसे पहले एडजस्टेबल रेजर्स का जो कॉस्ट होता है वो नॉर्मल रेजर्स से ज्यादा होता है। बट अगर आपका बजट है भी तो भी पहले जो सिंपल डी रेजर्स हैं, क्लोज कोम या फिर ओपन कोम, उनसे आप पहले अपना हाथ साध लें, उनसे आप पहले अपनी प्रैक्टिस करें, और जब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाए तो आप फिर एडजस्टेबल्स रेजर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज प्राइस ज्यादा है तो इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, ये सोच ठीक नहीं है। Fantastic leather. Let me clear my sideburns. तो चलिए, let's start. For the right side, I am using variant. And 3D setting.
Pull flexi, left side, first pass. इन दोनों रेजर्स में मैंने सुपर मैक्स प्लैटिनम ग्रेड फ्रेश लोड किए हैं, तो दोनों का पहला इस्तेमाल है। स्लिकनेस इस क्रीम की लाजवाब है। फर्स्ट पास विद द ग्रेन, कोई फर्क नजर आ नहीं रहा है मेरे को, सेम फीलिंग। हाँ, यहां पे हल्के सी स्टबल है, बहुत बारीक ये फील हो रही है, यहां पे बिल्कुल भी फील नहीं रही है। Let me wash my face first. तो पहला पास, 5 दिन पुरानी दाढ़ी, ऑलमोस्ट स्मूथ, हल्की सी स्टबल यहां पे है, यहां पे स्टबल कम है। नेक एरिया में आई कैन फील द स्टबल, yes, but here the stubble is less. Now experience wise, मेरे को first pass में ये smooth थोड़ा सा ज्यादा लगा, ये भी एक बात सही है। ये हल्का aggressive, इसके comparison में ये aggressive ज्यादा है, yes. Let me apply lather for the second pass. Across the grain. भैया ये अगर क्रीम आप ले सकते हो तो जरूर ले लीजिए, आई रिकमेंड दिस क्रीम। पिंक वुल्फ के शेविंग सोप तो बहुत बेहतरीन है, मगर क्रीम जो है अल्ट्रा लग्जरियस। बड़े बड़े फॉरेन ब्रांड्स को ये मीडियम पीछे छोड़ सकती है। Now let me change the setting for the second pass. तीन की setting जो है वो अब मैं 2 पे set कर दिया मैंने, and same is the case with Pearl Flexi, 2 की setting. So as you can see, current has gone, तो थोड़ा सा dark shade हो जाएगा, but क्या करें, we have to bear with this. चलिए आ गई, धन्यवाद light माते। Now second pass across the grain, right side and up.
கோஸ் பார்க்க வேரியன்ட். नेक एरिया पे मैं अगेंस्ट द ग्रेन ले रहा लेफ्ट साइड पर्ल फ्लेक्सी नेक एरिया अगेंस्ट द ग्रेन राइट साइड पाक वेरिएंट बड़ा मुश्किल है कुछ भी जज करना. एज अ यूट्यूबर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कंपेयर टू ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल प्रोडक्ट्स, क्योंकि जो कुछ भी अगर हम बोल देते हैं इट डेफिनेटली अफेक्ट्स द परसेप्शन ऑफ द यू नो पीपल. हल्का सा मोड में कटा गया जल्दीबाजी. लेट मी वॉश द फेस फर्स्ट एलम ब्लॉक. थर्ड पास की आज भी जरूरत नहीं लग रही है. आई कैन फील इट. एलम ब्लॉक इज द बेस्ट, यू नो आप देख सकते हो इट प्रोवाइड्स द बेस्ट फीडबैक.
मैंने शुरुआत में सही कहा था, वन इज ऑरेंज एंड अनदर इज एप्पल। तो यहां पे मैं ये नहीं कहूंगा हु इज द विनर, बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर हम स्मूथनेस की बात करें तो दिस रेजर पाके वेरिएंट इज अ फ्यू इंचेस और आई शुड से अ फ्यू सेंटीमीटर्स मोर अहेड इन द रेस स्मूथनेस के लिए। यस, तो इसके कम, ये एग्रेसिव थोड़ा ज्यादा है। यस, ब्लेड मैंने दोनों एक ही रखे हैं, सुपम एक्स प्लैटिनम दोनों का पहला इस्तेमाल। ये जो है पर्ल फ्लेक्सी लिटिल बिट मोर एग्रेसिव कंपेयर टू वेरिएंट, बट इट प्रोवाइडेड मोर स्मूथ ग्लाइड। बट व्हेन इट कम्स टू क्लोजनेस इन द शेव इट इज नॉच अहेड देन दिस। अब मैं ऐसे आगे नहीं बोलूंगा, क्लोजनेस में स्पेशली मैं यहां से मार्क करता हूं और यहां से मार्क करता हूं। जब भी मैं नया रेजर कभी भी टेस्ट करता हूं तो यहां पे पहले पास में ही बहुत बड़ा फर्क था, सेटिंग्स मैंने बराबर की रखी। तो स्मूथनेस में अगर कोई जाए, मगर फिर मैं कहूंगा एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव, स्मूथ मेरे को ये ज़्यादा लगा रेजर ग्लाइड के मामले में, ये एग्रेसिव है, मगर इसने क्लोजनेस जो शेव की होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा दी। तो बोथ आर फंटेस्टिक रेजर्स, बोथ आर लोकल ब्रांड्स, बोथ आर इंडियन ब्रांड्स, तो मैं तो दोनों को ही सपोर्ट करूंगा और हफ्ते में कम से कम एक शेव इससे और एक शेव इससे मैं जरूर लूंगा। ठीक है, सो फॉर मी बोथ आर विनर्स। सो दिस इज अ लिटिल बिट स्मूथर देन दिस, बट इट प्रोवाइड्स अ लिटिल बिट मोर क्लोज शेव देन दिस। ये थोड़ा एग्रेसिव ज्यादा है फ्लेक्सी। क्लियर? सो लेट मी अप्लाई पोस्ट शेव बाम एंड टुडे आई एम यूजिंग अगेन पिम्फोस ऊद एंड सैंडलवुड लोशन। Fantastic, perfect finish for your shave, and mashallah, बहुत ही बढ़िया इसकी fragrance है और हल्का सा coolness का भी एहसास होता है। So ये रहा दोस्तों आज का मेरा shaving session, आशा करता हूँ आपको मजा आया होगा इसमें और आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको मजा आया तो इसको like करिए, subscribe करिए, अपने comments जरूर नीचे रखिए, कुछ भी आपको एनीथिंग यू वांट रिलेटेड टू शेविंग, कोई एडवाइस और रिलेटेड टू प्रोडक्ट, जितना मेरे को अभी तक का एक्सपीरियंस है मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा, आपके जवाब भी जरूर दूंगा। बट सब्सक्राइब माय चैनल, दैट्स ऑल आई वांट टू से, एंड एज ऑलवेज प्लीज टेक योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, योर फैमिली मेंबर्स हेल्थ, और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और शेविंग करते रहिए। सुबह सुबह अगर आप शेविंग करते हैं या रात को भी शेविंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली जब आप कंप्लीट एक शेविंग करते हैं, एक बेस्ट शेविंग करते हैं, तो एक जेंटलमैन का आपको होने का एक एहसास होता है और ये एहसास ही काफ़ी है आगे के पूरे दिनचर्या को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।